हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप इसको देख रहे होगे, ये कौन है महाशय, तो इसके बारे में भी पूरा हम बताएंगे। ये वीडियो इसी के ऊपर है बेसिकली। और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कोई भी क्वेश्चन हो तो। अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये है मेरा भाई जिसने हाल ही में नीट क्लियर किया, और ये फ्यूचर डॉक्टर है। तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्या क्या किया, और पूरी इसकी जर्नी को कवर करेंगे हम, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो बिल्कुल भी इजी नहीं होता, बहुत टफ एग्जाम होता है, सभी को पता है, फटती है सभी की। तो हम इससे पूछेंगे कि कैसे क्या क्या इसका रहा, पूरा पूरी इसकी जर्नी को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले अंकित जी, नमस्कार आपका। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत स्मूथ चल रही है। डिफरेंट फेज आ गया लाइफ का मेरा एक, ठीक है। एक सच मतलब एक टेंशन होती कैरियर की जो भी खत्म हो चुकी है। मतलब अब मेरा फील्ड सेट हो चुका है, मुझे डॉक्टरी बनना है। अब मतलब कि कंप्लीट होने के बाद एट लास्ट डॉक्टर तो तुम बनी जाओगे, हाँ, है ये ना? श्योर है। ओके, अब पूरा इनका फ्यूचर सिक्योर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, नीट होता क्या है? एक्चुअली नीट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट जो स्ट्रीम होती है लाइक BDS MBBS BMS इनमें एडमिशन के लिए किया जाता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है। जैसा कि अभी आपने बात करी कि नीट का एग्जाम काफी टफ है। एक्चुअली ये टफ उस मेथड से नहीं है कि टफ पेपर आता है, बट इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। हर साल आप देख रहे हो जैसे कि बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल अराउंड 2 लाख के आसपास बच्चे बढ़ रहे हैं। सीट मामूली 2,000 या 3,000 के आसपास हर साल बढ़ती है, तो कॉम्पिटिशन है इसलिए टफ है। एग्जाम टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम है जो कि MBBS BDS BMS BSc नर्सिंग सबके लिए होता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? जैसे कि मुझे पता है विदाउट कोचिंग आपने किया ये क्लियर, तो आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाया, कैसे ही घर पे बैठ के कोचिंग वगैरह ली, कैसे आपने सेल्फ स्टडी की? देखिए, काफी बच्चों का मिथ होता है कि कोचिंग से ही मतलब ये एग्जाम क्लियर होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है काफी बच्चे टॉप मोस्ट कोचिंग में जाते हैं, बट उनका एग्जाम 4-4 5-5 बार में भी क्लियर नहीं होता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी में 1 या 2 अटेम्प्ट में भी क्लियर कर देते। तो मेरा विजन यही था कि भाई कोचिंग कुछ नहीं होता है, जस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितने हो सकते हैं। मेरा मेन फोकस था टेस्ट देने में, ठीक है। मैं हर रोज के 2 या 3 टेस्ट भी लगा लेता था लास्ट टाइम पे, मतलब जब पेपर पास में आ गया था। तो कोचिंग एक मतलब वो नहीं है। तो मेरा मेनली सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और मेरी टाइमिंग अराउंड 12 से 15 घंटे की सीटिंग रहती थी, ठीक है। अब इतना आपको देना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है सर। एक सीट के लिए 1,000 1,000 2 2,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन आप समझ सकते हो किस लेवल में। अच्छा, तो आपने मतलब कि खुद से पढ़ाई की, तो घर वालों का भी आपका सपोर्ट रहा होगा? कैसे हाँ, घर सपोर्ट वालों का था? पूरा सपोर्ट था, उन्होंने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया किसी भी चीज के लिए, ठीक है। मैं और मेरा लाइब्रेरी, सपोर्ट भी बता आपका देना। सपोर्ट भी बहुत अच्छा था, ठीक है, आपने भी मोटिवेट किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इजी के लिए क्लियर हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहे। तो सबसे बड़ी मेन एग्जाम इस एग्जाम की बात है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ रहे हैं 3 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। चाहे आप +1 +2 में हो तो रेगुलर आप 8 से 10 घंटे पढ़ो, इनफ है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो 1 साल मतलब जम के मेहनत करनी पड़ेगी और क्लियर हो जाएगा। ऐसा मिथ नहीं है, हार्डली कॉम्पिटिशन 5-6 लाख बच्चों के साथ ही आपका, मतलब ये देखो कि 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 22 लाख के 22 लाख तैयारी नहीं करते, ठीक है। तो 5-6 लाख के साथ कंपटीशन, और वो हार्ड कंपटीशन है, वो फाइट करना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, जैसे आपके पास +1 में आर्ट्स थी, तो हाँ आपने +2 में स्विच किया, वो अपना स्ट्रीम स्विच किया, आप मेडिकल में आए, तो वो सिचुएशन कैसी थी? और फिर मेडिकल की साइड जाना और फिर इस एग्जाम की तैयारी करना, तो वो फेस कैसा था? वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरे लिए। मतलब मेरी स्टार्टिंग +1 भी 90% मैंने आर्ट्स से की हुई है, मुझे अभी भी सिलेबस भी याद है, इतनी मैंने पढ़ी है डीप से, ठीक है। तभी मेरी लाइफ में एक टीचर आते हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस फील्ड के लिए। मैं चाहता था बचपन से डॉक्टर बनना, बट कभी इस कंडीशंस ऐसी आई जिसकी वजह से मुझे आर्ट्स लेनी पड़ी। तो मेरे आई थिंक 11th फिनिश होने वाली थी, तभी एक सर आया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो। तो मैंने लास्ट में बिल्कुल चेंज किया है, +2 मेरी बिल्कुल खराब सी गई है। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ भी, हल्का फुल्का जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, तो बेस होता है +1 क्लास जो होती है, तो वो मेरी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो मैंने फिर फर्स्ट ड्रॉप लिया, 2020 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अभी 2022 में मेरी एक अच्छी खासी टॉप 1% में मैं आया हूँ और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिली है, ठीक है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपकी लाइफ में?
मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब कोविड आया था, तो जैसे जैसे मतलब कोविड के केसेस देखते रहे कि डॉक्टर एक ऐसा रोल था जो कि मतलब ग्राउंड पे जाके काम कर रहा था, ठीक है, उसको रिप्लेस करने वाला कोई भी नहीं था। पुलिस की रिप्लेसमेंट आप आर्मी से कर सकते थे, चलो भाई डिफेंस का मैकेनिज्म होगा, कुछ भी होगा, बट ये एक ऐसी चीज थी जिसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर पा रहा था। तो इसी से मोटिवेशन मिला कि भाई यही एक ऐसा फील्ड है, सैचुरेशन नहीं है इस फील्ड में भी, आप लाइफ टाइम पढ़ते रहोगे, लाइफ टाइम में अर्निंग सोर्स भी अनलिमिटेड है इसमें, मतलब आप कितना भी अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है ब्लेसिंग्स, ठीक है, जो कि इसमें बहुत अच्छी खासी मिलती है। अभी भी हम कॉलेज में जाते तो लोग हमें, मतलब अभी हमें फर्स्ट ईयर में हूँ, बट लोग हमें नमस्ते करते हुए चलते, नमस्ते डॉक्टर साहब, तो एक अलग सी मतलब फीलिंग्स आती है जो कि और फील्ड में आई थिंक नहीं है। ओके तो मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट भी करते हैं कि तुम्हारा एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ दो, कुछ और इसके बिहाफ पे तुम चूज कर लो, तो उस चीज को कैसे तुमने गो थ्रू किया? होते हैं ये, खासकर तो वो आपके बैचमेट होंगे जो अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे, मतलब या आप कर रहे होंगे तो नॉर्मल बैचलर डिग्री कर रहे होंगे, और आपके दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, जिनके बच्चे तो कुछ अचीव करने नहीं है, वो आपको भी डीमोटिवेट करते कि हमारे वाले से नहीं हुआ, तेरे वाले से क्या होगा, तुझसे क्या होगा, ऐसे सब लोगों को इग्नोर करना है। अभी मेरे सामने कोई नहीं बोल पा रहा, ठीक, काफी बंदे थे जो मेरे को टोट मारते थे कि तू क्या करेगा, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट तक मैंने बहुत लोगों की सुनी है, तेरा क्या होगा, तुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं हर बार बाउंड्री से मिस कर रहा था एक सीट को, ठीक है, तो आज वो लोग मेरे से बोल भी नहीं पा रहे, बोल रहे हैं तो एक अच्छे मुंह से बोल रहे हैं, बेटा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, तो उन सबको इग्नोर करना है बेसिकली, और वही आपका मोटिवेशन भी होना चाहिए कि इसको करके दिखाना मुझे कुछ, अगर आप उन सब की बातों को सीरियस लेते हो अगर सच में, तो वही आपको मोटिवेशन का काम करेंगे, ठीक है। ओके तो मेन सोर्स आपका क्या था? आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे या फिर आपने खुद बुक्स से किया है सब कुछ अपना? बेसिकली मैं पहले ट्राई करता था खुद से पढ़ने की, ठीक है, बट अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जनरली नहीं समझ में आता खुद के पढ़ने से, तो उसकी मैंने कुछ वीडियोस की हुई हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट भी करूंगा कि कौन सा चैनल आप या कहीं कहाँ से आप पढ़े, कंटेंट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसमें ठीक नहीं है, करेंगे नहीं ये वीडियो फिर आप लंबी हो जाएगी ना थोड़ी सी, ठीक है, तो अभी आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक्स पे भी। तो बेसिकली मेरा मेन एम सेल्फ स्टडी था, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस किया, प्रैक्टिस पे फोकस किया, मैं हर रोज के 2-2 हज़ार क्वेश्चन लगा देता था, जो बच्चे देख रहे हैं अभी तो शॉक हो गए होंगे इस बात को सुन के कि 2 हज़ार क्वेश्चन कैसे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैंने किया ये चीज, तो प्रैक्टिस मेक्स एम परफेक्ट, और इस एग्जाम के लिए तो स्पेशल है। तो अभी जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी इस एग्जाम की या फिर अभी रिसेंटली जो आज जो एग्जाम हुआ है जिन बच्चों ने दिया है, अगर वो स्कोर नहीं करते तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है डिमोटिवेट नहीं होना है फ्रेशर से, फर्स्ट या सेकंड आपके अटेम्प्ट थी तो एक बार फिर से झोंक दीजिए अपने आप को पूरा, ठीक है, आप कर लोगे, बट अगर आपने 5-6 अटेम्प्ट आपके हो चुके, क्योंकि काफी बच्चे होते इतना ड्रॉप करते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा एक बार देखो अपने अंदर आप करने आपका इंटरेस्ट भी है क्या। बेसिकली मेन चीज क्या होती है ना, बच्चे इस एग्जाम में आते हैं पेरेंट्स के बोलने पे या किसी के दिखावे में कि वो 2 लाख रुपए पर डे अर्न कर रहा है, कोई सर्जन है तो अर्न कर रहा है, तो उसके देख के कि मैं भी इतने अर्न करूंगा, तो वैसा कुछ नहीं करना, पैसे और सोर्स में भी आ सकते हैं। इस एग्जाम के लिए सबसे या इस फील्ड के लिए सबसे जरूरी है दैट इज योर इनर मोटिवेशन, ठीक है, तो आप 5-6 अटेम्प्ट अगर दे चुके हैं तो एक बार अंदर से देखिए अपने आप को कि क्या मैं चाहता हूँ एग्जाम को देना, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्या, और अगर 1 या 2 अटेम्प्ट दिए आपने तो एक बार और फिर से अपना गो थ्रू हो जाइए, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम कीजिए, आपकी क्या मिस्टेक हुई है। बेसिकली मैंने देखा है कि मेन बच्चे की प्रॉब्लम ना प्रैक्टिस ही होती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, जस्ट बुक को रीड कर रहे होते, रीड कर रहे होते, और एंड में पेपर आपने प्रैक्टिस का देना, आपका इंटरव्यू तो होना नहीं है वहाँ पे कि आपको सुनेंगे कुछ, तो प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है, तो यही मेरे सजेशन आप सबके लिए। ओके तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करने से पहले हम इनके स्कोर बताना चाहते हैं कि इनका क्या स्कोर आया था अभी रीसेंट एग्जाम में विदाउट एनी कोचिंग। तो मेरा 601 स्कोर था, ठीक है, और स्कोर मैटर नहीं करता है, गवर्नमेंट सीट मैटर करती है, आपको सच बता रहा हूँ, मेरे काफी दोस्त एम्स के अंदर भी हैं और काफी दोस्त प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी, तो सभी का मैटर, सभी का सजेशन एक ही है कि भाई पढ़ाई तो खुद करनी पड़ती है, और ये चीज़ रियलिटी है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए कोई नहीं पढ़ाता आपको, कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा कि ले ये पढ़ ले ये चीज़ कर ले, सब चीज़ आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, आप वहाँ पे टॉपर भी बन सकते हो और आप वहाँ बैक बेंचर भी बन सकते हो। तो अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का, और ये था आज का वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है जिसके अंदर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ में बुक्स का डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे और शेयर भी करना। ओके बाय बाय।